आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति को आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन के बारे में सीखेंगे। चाणक्य ने किसी भी बातों को डिप्लोमेटिक तरीकों से नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी की चापलूसी नहीं की। जो भी बात जैसी भी थी उन्होंने लोगों के सामने लाए और उसे लोगों को सिखाने की कोशिश की। और हाँ, कुछ लोगों को उनकी बातें कड़वी जरूर लगती थी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। आज हम सीखने वाले हैं चाणक्य नीति की 7 सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए ध्यान से और एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, नहीं तो इसमें नुकसान आपका ही है। 1. समस्या को जड़ से खत्म करें। चाणक्य नीति से सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है कि समस्या को सिर्फ सॉल्व ना करे, उसे जड़ से खत्म कर दे। हम लोगों की आदत होती है कि समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि वो समस्या भविष्य में कभी ना आए। यदि आप एक स्टूडेंट है तो मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम से है फिर तो बहुत जी अच्छे से समझ पाएंगे। आपने इंग्लिश सीखने के लिए कितनी बार टेंस सीखें, अगली क्लास में गए फिर से टेंस सीखें, आप बड़े हुए किसी कोचिंग क्लास में गए, आपने फिर से टेंस सीखने की शुरुआत की, लेकिन हुआ क्या, आप टेंस भी नहीं सीख पाए और इंग्लिश भी नहीं सीख पाए। इसका मतलब क्या, आपने थोड़े समय के लिए समस्या को सॉल्व जरूर किया। जब तक टेंस एग्जाम में आते थे और आपको जरूरत थी तब तक आपने सॉल्व जरूर किया, लेकिन उस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म नहीं किया। इसलिए बार बार आपको वो चीज सीखने की जरूरत पड़ी। एक बार चाणक्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जंगल के रास्ते अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और उनको पैरों में कांटा गड़ गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सारे कांटों को उखाड़ फेंको और जाओ कहीं से छाछ ढूंढ कर ले आओ। उनके शिष्यों ने जैसे तैसे छाछ ढूंढ कर लाए, लेकिन शिष्यों ने पूछा कि ये छाछ क्यों मंगवाए है। चाणक्य ने उन शिष्यों से उस छाछ को लिया और उन कांटों वाली जगह पर पूरा का पूरा छाछ डाल दिया और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इस कांटों को उखाड़ा था तो ये थोड़ी दिन के बाद वापस से उग जाते, लेकिन इसमें अब मैंने छाछ डाल दिया है, कुछ ही समय के बाद यहाँ पर चींटियां आ जाएंगी और पूरे के पूरे कांटे के तने को जड़ के सहित खा जाएंगी। इससे कांटे वापस नहीं आ पाएंगे और जड़ सहित खत्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि समस्याओं को सिर्फ सॉल्व ना करें, उन्हें जड़ से खत्म कर दे। 2. आवश्यकता से ज्यादा सीधा नहीं होना। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि आवश्यकता से ज्यादा सीखा नहीं बनना है। चाणक्य कहते हैं कि जंगल में यदि आप जाओगे तो सीधी लकड़ी को ही पहला कटा पाओगे। जो टेढ़ी लकड़ी होती है उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता है। इस बात को आप अपने जीवन में जरूर महसूस किया होगा कि जितना आप सीधा बनेंगे लोग आपको उतना ही कमजोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए आप जरूरत से ज्यादा सीधे ना बने, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ले। मैंने पहले ही आपको बताया है कि चाणक्य बहुत ही कटु सत्य बोलते हैं जो सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन जीवन के लिए बहुत ही सही होता है। 3. अपने रहस्य किसी को न बताए। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट को किसी को नहीं बताना है, क्योंकि वही आपके बर्बादी का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे महाभारत की कुछ घटना याद आ रही है। आप सब ने सुना होगा कि महिलाओं से पेट में कोई बात नहीं पचती। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है तो उनका मन करता है कि किसी और को वो बातें बता दे। इस बात को महाभारत को एक श्राप से जोड़ा जाता है। कुंती ने अपने पांचों बेटे को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उन्हीं के भाई है। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने पांचों भाई को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे, और इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद आपके पेट में कोई भी बात नहीं रह पाएगी। और चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्यों को किसी को बताइए मत, अपने पास दबा कर रखिए, नहीं तो यही आपके बर्बादी का कारण बन सकती है। 4. हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। अगली बात चाणक्य कहते हैं जो कि बहुत कटु सत्य है कि हर रिश्ते के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है। चाहे माँ बाप हो या भाई बहन, चाहे कोई दोस्त हो या कोई भी रिश्ता हो, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होता है।
शुरू शुरू में तो आपको सारे रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके स्वार्थ का आपको पता चलता जाता है और फिर आपको पता चलता है कि ये रिश्ता क्यों बनाया। किसी का स्वार्थ बड़ा हो सकता है, किसी का स्वार्थ छोटा हो सकता है, लेकिन हर इंसान आपसे कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद जरूर करता है। 5. सोच समझ कर विश्वास करें। ये बात चाणक्य ने बहुत ही कड़वी कही है कि जो व्यक्ति आपका मित्र नहीं है उस पर तो आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति आपका मित्र है उस पर बहुत सोच समझ कर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका उससे झगड़ा होगा तो आपका सीक्रेट बातें कही और जाकर बोल देगा। ये तो हर इंसान के साथ होता है और जरूर आपके साथ भी हुआ होगा। किसी व्यक्ति के साथ सालों साल आपकी दोस्ती चली, लेकिन किसी कारणवश वो दोस्ती टूट गई, वो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया और आपके सारे सीक्रेट वहां पर जाकर कह दिया। इससे आपको जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए आप हमेशा सावधान रहिए। 6. कहने के बजाय करके दिखाए। अगली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाणक्य कहते हैं कि अपने बातों को अपने मन में रखे, उसे लोगों लो बताए ना और उसे सीधे करके दिखाए। चाणक्य का कहना था कि बोलने से ज्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। कई बार आपने लोगों को कहते देखा होगा कि मैं ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है, तो आप ऐसा बोल बच्चन करने वाले बिल्कुल भी ना बने। जो भी चीज़ आपके मन में है, जो भी टास्क आपके मन में है, उसे मन में रखे और उसे सीधा लोगों को करके दिखाए। 7. मुसीबत के लिए धन बचा कर रखे। अगला पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुसीबत के समय के लिए हमेशा धन को इकट्ठा करके रखे। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। कई लोगों को यही लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारी जायदाद है, तो फिर मुझ पर मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन ध्यान रखिए कि जब मुसीबत आती है तो इकट्ठा किया गया धन भी तेजी से घटता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको दुनिया की वो सारी खुशियाँ मिले जिसके आप हकदार हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।